हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेटर डॉट आईओ में आपका स्वागत है। और आज सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो पहला मैच खेला जाना है वो है MI वर्सेस RCB, जो कि MI चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाना है। और ड्रीम इलेवन की टीम बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ रिसर्च किए हैं, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको हम आज डेटा प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्विक मेक अ टीम। सो गाइस, टोटल मैच अभी तक जो खेले गए हैं वो है इस ग्राउंड पे 82 मैचेस, और पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं 47 मैचेस किसी भी टीम ने, और सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं 33 रन, और यहाँ पर जो है दो दो मैचेस टाई भी हुए हैं। और एवरेज स्कोर की बात हम अगर करते हैं यहाँ पर पहले बैट करते हुए वो है 160 रन, हाईएस्ट स्कोर जो है 260/5 एंड लोवेस्ट स्कोर 70/10। तो अभी तक का ये रहा, ये यहाँ पर रहा है स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो बिलो स्कोर 158 टाइम्स, और 150 से 169 के बीच में 27 बार किसी भी टीम्स ने रन बनाए हैं, और 170 से 189 के बीच में 12 बार, और 190 से ऊपर का स्कोर 15 बार यहाँ पर बनाया जा चुका है। और लास्ट जो है 8 मैचेस इस वेन्यू वेन्यू पर खेले गए हैं, जहाँ पर टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करते हुए 4 मैचेस जीते गए हैं, और लास्ट बैटिंग करते हुए या फिर सेकंड बैटिंग करते हुए 4 मैचेस जीते गए हैं। तो एवरेज है, और यहाँ पर स्कोर एवरेज जो है, अगर पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 145 होता है, और सेकंड बैटिंग के दौरान यहाँ पर 125 जो है हमारा एवरेज स्कोर होता है। और विकेट अगर ये हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, विकेट जो है स्पिनर्स ने वैसे 2020 के अंदर पेसर्स सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर 28 टाइम्स स्पिनर्स ने विकेट्स निकाले हैं, और पेसर्स जो है 12 बार। ये बोल सकते हैं कि इस मैच में स्पिनर्स का, अगर पहले इनिंग में अगर बैटिंग विकेट बॉलिंग होती है तो स्पिनर्स ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं। सेकंड इनिंग में अगर विकेट की बात करते हैं तो 23 और पेसर्स 20, सो इट्स लाइक वेरी सिमिलर और नॉट मच डिफरेंस एक्चुअली। तो यहाँ पर दोनों के चांसेस होते हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर। अगर दोनों इनिंग की बात करते हैं तो स्पिनर्स यहाँ पर लीड करते हैं 51-32। और यहाँ पर हम टीम्स की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्विंटन डिको, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या एंड नाइल एंथी नाइल एंड बुमराह और बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट। और यहाँ पर जो है राहुल चहर और पीयूष चावला में से एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं RCB की टीम की, तो इसमें देवदत्त पाटीकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, डैन क्रिश्चियन, वॉशिंगटन सुंदर, काइले जेमिनसन, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज एंड यजवेंद्र चहल यहाँ पर होने वाले हैं प्लेइंग 11 के अंदर। यहाँ पे डैन क्रिश्चियन को लेने, यानी कि डैन क्रिश्चियन काफ़ी अच्छे हीटर्स हैं, और मैक्सवेल भी उनके साथ में मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेंगे। विराट कोहली ने जैसे पहले कहा है वो ओपनिंग करने वाला है। सो गाइस ये है, और चलो अब हम ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं। हेलो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से। तो हमारे पास में विकेट कीपर के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक एंड ईशान किशन। तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ एबी डिविलियर्स की और क्विंटन डिकॉक की, तो एबी डिविलियर्स का जो है कम से कम 7 या 8 ओवर खेलना पक्का है। तो हम लोग एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक में से एक को चूज़ करना है, और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा एबी डिविलियर्स को, क्योंकि एबी डिविलियर्स के पास में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है खेलने का। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले एबी डिविलियर्स को चूज़ करते हैं, और क्रेडिट की वजह से मैं क्विंटन डिकॉक को यहाँ पे नहीं ले सकता, तो हम लोगों को यहाँ पे ईशान किशन के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ईशान किशन को चूज़ करेंगे, क्योंकि ईशान किशन का जो है बैटिंग फॉर्म अभी है रिसेंटली हम लोग देखें काफ़ी अच्छा है, और वो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। तो अब चलते हैं बैटिंग के लिए। हम लोग बैटिंग में विराट कोहली जो कि अच्छी फॉर्म में है, रोहित शर्मा ऑफ कोर्स, और देवदत्त पेडिकल। देवदत्त पेडिकल ने भी लास्ट IPL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम लोग इसे ले सकते हैं। विराट कोहली को ओपन करना है, रोहित शर्मा ऑलवेज ओपन ही करते हैं, और सूर्य कुमार यादव जो कि एक की फैक्टर है यहाँ पर। हम लोग इसके अलावा यहाँ पर पाटीदार को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे ये मेरे पर्सनल व्यू है कि वो इस मैच में शायद वैसा परफॉर्म करें या ना करें। अब ऑलराउंडर हम लोग चूज़ करते हैं, तो ऑलराउंडर के लिए
हार्दिक पांड्या को मैं चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि वो 10 बॉल या फिर 15 बॉल या फिर 5 बॉल, उनका कभी भी एक्सेलरेटर आपको पता है ऑन हो सकता है। उसके साथ साथ मैं वाशिंगटन सुंदर को भी, क्योंकि ये अच्छे ऑलराउंडर हैं और अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे उभर के आए हैं, तो हम लोग वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखना है बॉलर के लिए कि हम कौन कौन से बॉलर को यहाँ पर चूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर चहल को ले सकते हैं, लेकिन चहल को वो लेने का मुझे कोई ऐसा कोई खास मकसद इस मैच के लिए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके चांसेस और रिसेंटली परफॉर्मेंस को अगर देखें तो मैं उन्हें नहीं ऑप्ट करूँगा और मैं जाऊँगा जैसे बुमराह के साथ में। यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट अच्छा ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज है, जेम्पा है, लेकिन मैं यहाँ पे रिचर्डसन के साथ में जाना चाहूँगा, क्योंकि हमें क्रेडिट पॉइंट को भी यहाँ पर देख कर चलना होगा। और यहाँ पर मैं कुल्टर नाइल को यहाँ पर लेना पसंद करूँगा। तो गाइस ये हमारी टीम हो गई है। अब हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज़ करना है। अब गाइस रही बात कैप्टन की, तो कैप्टन में आप चूज़ कर सकते हैं किसी को भी, लाइक एबी डिविलियर्स हो सकते हैं, ईशान किशन को आप बना सकते हैं, या फिर हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली के बेटर ऑप्शन हैं जिनके साथ में आप जा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच, और अकॉर्डिंगली आप देखिए, और जैसा आपको लगता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा आपको ट्रस्ट है या फिर उनके पास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंगली आप उसके साथ जाके और टीम बना के और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के मूव करिए। बेस्ट ऑफ लक, होप आपको, आप सब पीपल को ये वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।